गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर सक्सेना आप सभी का अपने चैनल मैथ्स वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज मैं आप सभी के लिए एक शिक्षण योजना लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी इस योजना का पूर्ण लाभ उठाएंगे और यह योजना आपके लिए पूर्ण मददगार साबित होगी। तो चलिए, आज की शिक्षण योजना आपके सामने प्रस्तुत है। यह योजना क्लास 4th to 8th के लिए है। सब्जेक्ट इसका इंग्लिश, टॉपिक सिंगुलर एंड प्लूरल। Day 1, टाइम 40 मिनट। लर्निंग आउटकम, चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर एंड प्लूरल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कॉमन क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स लाइक चॉक, पेन, पेंसिल, बुक, रबर एक्सेट्रा एंड सम पिक्चर एंड वर्ड कार्ड्स ब्लैक बोर्ड। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, 3 कॉलम है इसमें, स्टेप्स, टाइम, मेथड ऑफ असेसमेंट। इन द बिगिनिंग शोइंग ए फ्लैश कार्ड और ड्राइंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, टीचर आस्क हाउ मेनी वॉल्स आर इन दिस कार्ड। 1. How many books are in this card? 3 or more than 1. What we say one and more in English grammar? The teacher will say write on the blackboard. Nouns can be singular and plural. Today we know about them. During teaching, writing on the blackboard, the teacher will explain. A singular noun name one person, place or thing. Showing cards. A plural noun name more than one person, place or thing. Showing cards. The teacher explains the rules used for singular and plural forms. यहाँ पे बच्चों को एक्सेप्शंस के बारे में बताया जाएगा कि कुछ नाउन के प्लूरल सेम रहते हैं, जैसे शीप का शीप रहेगा, हेयर का हेयर, फिश का फिश। एक्टिविटी, मेकिंग ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड गिव देम सिंगुलर नाउन्स टू कन्वर्ट इनटू प्लूरल नाउन्स। प्रेजेंटेशन, स्टूडेंट्स से loudly both singular and plural forms of noun in front of the class. End of teaching, why holding one book in hand? What is it? What are these? Holding many books. Holding pen, pens, book, books. Notebook, notebooks, rubber, rubbers, scale, scales, chalk, chalks. The teacher will practice the concept to the students. Homework. Create the plural forms. Write in words. Upcoming teaching plan. A new teaching plan to practice the singular and plural forms. तो साथियों, अंत में आप सभी से मैं अनुमति लेता हूँ। इसी तरह की अन्य योजनाओं को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।